एनबीसी न्यूज 24 खबरें फटाफट में आपका स्वागत है। मैं हूं भारती दास। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। राजस्थान के बजू में पाक सीमा पर देखा गया लाल रंग का गुब्बारा, थोड़ी देर में हुआ गायब। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों जुटी जांच में। इससे पहले हिंदूमल कोट अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर हुई थी फायरिंग। सरकार ने देर रात 15 आईएएस अफसरों के किए तबादले, जिसमें कलेक्टर और अन्य फील्ड ऑफिसर भी है शामिल। दो महीने बाद फिर एक शर्मनाक तस्वीर आई सामने। एक और मासूम को इतनी निर्दयता सफीका कि मुंह से निकला खून, सिर में आई चोटें। झुंझुनू में मैच 24 घंटे पहले जन्मी इस बेटी को बस स्टैंड के पास कुएं की गुण में छोड़ गए अपराधी। पाली में 57 साल बाद वीरांगना ने उतारा मंगलसूत्र, रखा शहीद पति के चरणों में। 57 साल बाद गट्टू देवी ने शहीद पति की प्रतिमा पर अनावरण के दौरान अपने सुहाग के प्रतीक मंगलसूत्र का किया समर्पण। 50,000 रुपए में बेचते थे राजस्थान, झारखंड और यूपी के स्कूलों की फर्जी मार्कशीट, दो अकेडमी संचालक हुए गिरफ्तार। राजसमंद और उदयपुर के दो कोचिंग संचालकों को भोपालपुरा थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। एमके क्लासेस से करीब 23 फर्जी और 67 संदिग्ध मार्कशीट और माइग्रेशन हुए बरामद। राजस्थान के सरकारी मंदिरों में होगा ऑनलाइन दान, दुनिया के किसी भी हिस्से से भेज सकते हैं दान राशि। विभाग ने इसके लिए ऑनलाइन दान की व्यवस्था की शुरू। देवस्थान विभाग की वेबसाइट पर जाकर भक्त सूची में शामिल मंदिरों में ऑनलाइन दान कर सकते हैं। राजस्थान के सीमावर्ती गांवों में वायुसेना एयरबेस हाई अलर्ट पर, पर्यटकों की सुरक्षा के दिए निर्देश। पाक सीमा में सटे राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित तेल के कुओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस क्षेत्र में सेना और पुलिस के जवान सुरक्षा का जिम्मा संभाले हुए हैं। बाड़मेर में उतर आई वायुसेना एयरबेस हाई अलर्ट पर है। जैसलमेर में रह रहे पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर जिला कलेक्टर ने पुलिस को दिए निर्देश। जैसलमेर एयरपोर्ट की सभी उड़ानें हुई रद्द, हाई अलर्ट मोड पर बॉर्डर। सीमाई गांव में सेना की बड़ी हलचल। निर्मल खाजूवाला कस्बे में सेना की गाड़ियों की बनी रही आवाजाही। सोनिया राहुल को बड़ा झटका, खाली करना होगा हेराल्ड हाउस। दिल्ली एससी ने सुनाया फैसला। नेशनल हेराल्ड हाउस को खाली करने के मामले में सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ एसोसिएट जनरल लिमिटेड की अपील पर दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सुनाया फैसला, जिसके तहत अब एजेएल को हेराल्ड हाउस करना होगा खाली। इसे एजेएल के साथ साथ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए भी एक बड़ा झटका माना जा रहा है। एक नजर जयपुर की खबरों पर। डिप्टी सीएम सचिन पायलट का ट्वीट, सरकार से अपील, हमारे वीर जवान की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पूरा देश इस वक्त आर्मी के साथ खड़ा है। और बच्चों को पढ़ाई जाएगी शहीदों की गौरव गाथाएं। राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासर ने कहा कि राजस्थान के आगामी शैक्षणिक सत्र में बच्चों को शहीदों के शौर्य के बारे में जानकारी दी जाएगी। शहीदों की गौरव गाथाएं पाठ्यक्रम में शामिल की जाएगी। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहे एनबीसी न्यूज 24। नमस्कार। सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।